एलआईसी में शहरी एजेंट भर्ती 6000 हर माह, 20 से 25000 कमीशन, केवल 25 पद। जल्द संपर्क करें, योग्यता 12th पास, उम्र 25 वर्ष। संपर्क करें आशीष जैन, एलआईसी विकास अधिकारी, दमोह। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम, किल्ला इलाका बालाकोट रोड, दमोह। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम हुए। वहीं दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पहुंचकर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां सुबह बेलाताल की सफाई की गई। वहीं पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया, जहां उनके साथ उनकी पत्नी व शामिल थी। वहीं वृक्षारोपण के पश्चात जब उनकी पत्नी की चप्पल में कीचड़ लगा और उनके समर्थकों के द्वारा कुएं में पानी निकालकर उनकी चप्पलों को साफ किया गया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद हमने इस वीडियो में देख रहे सांसद समर्थक व कार्यकर्ता प्रीतम चौकसे से बात की तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए क्या कहा, वही भी सुनते हैं। कल रात में मुझे जानकारी मिली कि किसी ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें मुझे दिखाया गया है कि मैं माननीय मंत्री जी की पत्नी की चप्पल धो रहा हूँ। इस संबंध में लोगों ने बहुत गलत तोड़ मरोड़ के ये वीडियो वायरल किया है, जिनने भी किया है, क्योंकि वहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा था। उस दौरान आदरणीय भाभी जी का पैर फिसला और वो मिट्टी में उनकी चप्पल लग गई, मिट्टी लग गई चप्पल में। उस दौरान क्या हुआ, वहाँ पास में कुआं था तो हम लोग वहाँ पहुँचे और पानी से बाल्टी से पानी डाला उनकी चप्पल में। तो मैंने चप्पल जब पकड़ी तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं नहीं इसको रहने दो, मैं ही धो लेती हूँ। उसके बाद में भी मैंने उनसे बोला कि नहीं नहीं भाभी जी, आप क्या दिक्कत की बात है, चूँकि वो हमारी माँ समान है और महिला भी हैं, तो इसलिए मैंने उनकी चप्पल से मिट्टी निकाली और मिट्टी धो दी। वो बाद में उन्होंने मना भी किया, उनकी बिटिया भी साथ में थी और दो चार लोग हमारे साथ वाले भी थे। तो मेरा इस संबंध में यही कहना है कि ये बहुत गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और किसी भी महिला का सम्मान करना, वो भी हमारी माँ समान है, तो इस संबंध में ये गलत है, और इस टाइप की किसी को न्यूज निकाल के दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए।